गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जीएसटी और फोर्स से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट जो कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए आया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी कॉम्पोजिशन से रिलेटेड ये बड़ा अपडेट अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, कॉम्पोजिशन वालों के लिए नया GSTR4 आ गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए जो GSTR4 का पुराना फॉर्म था, अब वो वाला फॉर्म फाइल नहीं करना है। अब जो फाइल करना है, न्यू GSTR4 हम लोगों को फाइल करना होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। क्या है फॉर्म, क्या किए गए हैं इसके अंदर बड़े बदलाव, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पे आगे चलने से पहले, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को अभी से लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए और वो अपनी GSTR4 जो है अब अकॉर्डिंगली तैयार करेंगे 1920 के लिए। ये मैंने ओपन कर लिया है जो नोटिफिकेशन नंबर 31 इशू किया गया था 28 जून 2019 को, उसमें जो है इस नए फॉर्म को नोटिफाई किया गया है। इसमें बताया गया है, इन द सेड रूल्स फॉर्म GSTR4 द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो पुराना वाला फॉर्म जो है उसको स्क्रैप आउट कर दिया गया है, उसकी जगह पे ये वाला फॉर्म जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया गया फॉर्म GSTR4। अब जो हेडिंग है, ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। पहले जो हमारा GSTR4 था वो रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन Who has opted for composition levy under section 10, मतलब जो composition levy में जाते थे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ये GSTR4 का form जो है, वो file करना था। अब जो होगा, इसके अंदर एक category persons को और जोड़ा गया है, वो कौन से हैं? और availing benefit of notification number 2/2019 central tax rate। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम लॉन्च किया है नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 के द्वारा, जहां पर आपको 6% का टैक्स जमा करना होता है अपने 50 लाख तक के पहले टर्नओवर पे। अगर आप उस स्कीम के अंदर चले गए हैं तो भी आपको जो रिटर्न फाइल करना है वो GSTR4 फाइल करना है। मतलब GSTR4 दो कैटेगरीज हो गया, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर और पर्सन ऑप्टेड फॉर नोटिफिकेशन 2/2019 एट द रेट ऑफ 6%। क्या है ये 6% वाला स्कीम, अगर आपको नहीं पता है तो इसका जो वीडियो है मैंने ऊपर आई बटन में लिंक किया हुआ है, आप वहां जा करके देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 के अंदर जो नया स्कीम लॉन्च किया गया था उसके अंदर क्या बातें बताई गई हैं। अब आते हैं हम लोग फॉर्म के ऊपर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ईयर लिखा गया है, पहले यहाँ पर लिखा जाता था, सबसे बड़ा चेंज पहला बार यहाँ पर हुआ है, ईयर यहाँ पे दिया जा रहा है। पहले यहाँ पे क्वार्टर हम लोग लिखते थे, इसका मतलब हुआ कि GSTR4 अब हम लोगों को क्वार्टरली फाइल नहीं करना है। तो क्या क्वार्टरली कॉम्पोजिशन में कोई कुछ नहीं फाइल करना है? जी नहीं, उसके लिए फॉर्म आया है GST CMP 08, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है कि GST CMP 08 कैसे भरना है, किसे भरना है। GSTR4 जो है वो आपको ईयरली भरना है, एनुअली एक बार भरना है, इसीलिए यहाँ पर दिया गया है ईयर की कौन से साल का GSTR4 आप फाइल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी नंबर है, लीगल नेम है, ट्रेड नेम है, एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जब आप GSTR4 फाइल करेंगे 1920 की, तो उसके अंदर फाइनेंशियल ईयर 18-19 का जो टर्नओवर आपने डिक्लेयर किया है वो ऑटोमेटिकली इस वाले GSTR4 के अंदर ऑटो पॉपुलेट होगा टू डिसाइड वेदर यू आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन और यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन। उसके बाद है डेट ऑफ ARN एंड ARN जो कि रिटर्न फाइल होने के बाद जनरेट होता है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल्स पे। ये है हमारा टेबल नंबर 4 जो कि काफी डिस्प्यूटेड रहा था पुराने वाले GSTR4 में। ये बेसिकली बात करता है परचेज डिटेल्स की, क्या हम लोगों को परचेज डिटेल्स डालना है या नहीं डालना। यहाँ पे जो अब बताया गया, इनवर्ड सप्लाईज इंक्लूडिंग सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज, मतलब टेबल नंबर 4 में आपको इनवर्ड सप्लाईज और जो आपका इनवर्ट सप्लाईज है वो, और साथ साथ वैसे इनवर्ट सप्लाईज जिसमें आपका लाइबिलिटी बनता है कि आप रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स जमा करें, दोनों ही कैटेगरी का परचेजेस का डिटेल्स आपको यहाँ पुटअप करना होगा। लेकिन पुराना वाला GSTR4 जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट थी कि आपको बिल वाइज एंट्री करनी होती थी परचेज के लिए भी,
लेकिन अब जो नया फॉर्म आया है इसके अंदर बहुत बड़ा चेंज किया गया है इस चीज को लेकर के। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो रिक्वायरमेंट्स है टेबल नंबर 4A के अंदर, इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर अदर देन सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, मतलब यहाँ पे आपको वैसा डिटेल भरना है जो कि आपने बी टू बी परचेज किया है, मतलब जो आपने नॉर्मल परचेज किए हैं वो आपको टेबल नंबर 4 कॉलम नंबर A के अंदर डालना है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है जीएसटी नंबर ऑफ द सप्लायर, इनवॉइस डिटेल्स ऑफ द सप्लायर, रेट, टैक्सेबल वैल्यू एंड अमाउंट ऑफ टैक्स एंड प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे भरना है। अब आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज, यहाँ आप देख पा रहे हैं इनवॉइस डिटेल्स के अंदर जो इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस डेट है या इनवॉइस वैल्यू है, इस फील्ड को ग्रे किया गया है। ग्रे का मतलब होता है कि फॉर्म में ये वाला फील्ड जो है वो डिसेबल्ड रहेगा, वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इससे क्या मतलब निकल के आता है कि अगर आपको इनवर्ट सप्लाईज डालना है तो आपको एग्रीगेट वैल्यू कर लेना है, एग्रीगेट करके टोटल अमाउंट पूरे साल का आपको यहाँ पर पुटअप करना है। यहाँ पे इनवॉइस वाइज डिटेल्स आपको नहीं डालनी है, यहाँ पर आपको जीएसटीएन वाइज रेट वाइज ब्रेकअप देना होगा कि मान लेते हैं एक जीएसटीएन नंबर से आप कितने प्रकार का माल परचेज करते हैं, जीएसटीएन वाइज आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी। सपोज एक जीएसटीएन से आप 5 टैक्स रेट का आइटम परचेज करते हैं तो आपको जीएसटीएन रेट वाइज जो है एंट्री यहाँ पे करनी है। अब उसके अंदर 100 इनवॉइसेज हो या 1000 इनवॉइसेज हो, इनवॉइस वाइज एंट्री नहीं करना है, आपको सारे इनवॉइसेज को एक जीएसटीएन का एक रेट को क्लब करके तब यहाँ पे डेटा जो है फाइल करना है। तो ये काफी बड़ा रिलैक्सेशन हो सकता है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए, अगर परचेज डिटेल डालने की नौबत आती भी है तो यहाँ पे अब हम लोगों को क्लब करके इकट्ठा फिगर्स जो है वो डालना है, ना कि इनवॉइस वाइज एंट्री करनी होती है जो कि पहले जीएसटीआर 4 में इनवॉइस वाइज मांगा गया था। तो टेबल नंबर 4A हो गया नॉर्मल परचेज, सिमिलरली टेबल नंबर 4B के अंदर इनवर्ट सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, अगर आप ऐसी कोई सप्लाईज देते हैं किसी एक रजिस्टर्ड पर्सन से जो कि रिवर्स चार्ज के दायरे में आती है, जैसा कोई हो गया रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर के केस में, इस सिचुएशन में भी आपको यहां पर जीएसटी और रेट वाइज एंट्री करनी है, इनवॉइस वाइज एंट्री वाला कॉन्सेप्ट जो है जीएसटीआर 4 में खत्म कर दिया गया है। अगला टेबल है 4C, इनवर्ट सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई इनवर्ट सप्लाई लेते हैं उसका डिटेल्स भी आपको यहाँ पे अकॉर्डिंगली फाइल करना है। और लास्ट है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, जब आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे इनवॉइस वाइज एंट्री आपसे मांगी गई है क्योंकि यहाँ पे इस फील्ड को ग्रे नहीं किया गया और इंपोर्ट के केस में आपको यहाँ पे बिल वाइज एंट्री जो है वो करनी होगी। ये हो गया परचेज से रिलेटेड जो चेंज किया गया है न्यू जीएसटीआर 4 में। अब आते हैं टेबल नंबर 5 में जहां पर हम लोगों को अपना आउटवर्ड सप्लाई का डिक्लेरेशन देना है, उसके लिए क्या बताया गया, समरी ऑफ सेल्फ असेस्ड लाइबिलिटी एज पर फॉर्म जीएसटी सीएमपी 08 नेट ऑफ एडवांसेस क्रेडिट एंड डेबिट नोट एंड एनी अदर एडजस्टमेंट ड्यू टू अमेंडमेंट्स, जो मैंने आपको बताया कि आपको क्वार्टरली जो फाइल करना है वो फाइल करना है सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी इन स्टेटमेंट जीएसटी सीएमपी 08, जो आप हर क्वार्टर में सीएमपी 08 फाइल करेंगे जिसके अंदर आप अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की लायबिलिटी डिक्लेयर करेंगे और इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी डिक्लेयर करेंगे, उस डेटा से ऑटोमेटिकली आपका टेबल नंबर 5 मतलब जीएसटीआर 4 का जो टर्नओवर वाला पार्ट है वो आपके जीएसटी सीएमपी 08 से ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। वो कैसे होगा वो देखते हैं। ये फिगर जो आएगा ये जीएसटी सीएमपी 08 से भरा जाएगा। इसमें सबसे पहला है आउटवर्ड सप्लाईज इंक्लूडिंग एग्जम सप्लाईज, अगर आपका कोई आउटवर्ड सप्लाईज है जिसमें आप एग्जम सप्लाईज भी करते हैं तो वो भी आपको जीएसटी सीएमपी 08 में फाइल करना है और वो डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होगा जीएसटीआर 4 के अंदर। तो आउटवर्ड सप्लाईज इंक्लूडिंग एग्जम सप्लाईज हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपको वैल्यू डालना है टैक्सेबल वैल्यू और उसके बाद जो टैक्स अमाउंट है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑटो लिखा गया है, ऑटो मतलब जीएसटी सीएमपी 08 से ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल्ड अप डेटा हो जाएगा। आपको टेबल नंबर 5 में कोई भी डेटा भरने की जरूरत नहीं है, वो आपको सिर्फ क्रॉस चेक कर लेना है कि आपका ड्यूरिंग द ईयर जो टर्नओवर गया है वो आपके जीएसटीआर 4 से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद है इनवर्ट सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर आपने कोई ऐसे इनवर्ट सप्लाईज ली है जिसमें आपको रिवर्स चार्ज पे करना है तो उसका डेटा भी आप
CMP08 में भरेंगे तो वो डेटा भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा और इसके अंदर इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला डेटा भी इंक्लूडेड है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा टैक्स पेड 1+2, इन दोनों को ऐड करने से जो टैक्सेस बनेंगे वो आपको टेबल नंबर 3 में दिखेगा और इंटरेस्ट जो आपने पे करना है वो आपको टेबल नंबर 4 के अंदर दिखेगा। ये सारी चीजें आपको CMP08 में फाइल करनी है क्वार्टरली, और जब वो फाइल कर लेंगे आप क्वार्टरली तो वो डेटा आपका GSTR4 में ऑटोमेटिकली फिल्डअप हो जाएगा। ये हो गया टेबल नंबर 5। अब आते हैं टेबल नंबर 6 के अंदर। ये बहुत बड़ा चेंज किया गया, इससे पहले ये चीज नहीं थी GSTR4 के अंदर। मतलब मैं बताऊं कि GSTR4 में पहले ये कॉलम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यही वाला कॉलम दिया गया था। अब इसके अंदर क्या बताया गया कि टैक्स रेट वाइज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाइज इनवर्ड सप्लाइज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स रेट वाइज ब्रेकअप आपसे मांगा जाता है, जबकि पहले GSTR4 में टैक्स वाइज ब्रेकअप, टैक्स रेट वाइज ब्रेकअप नहीं मांगा जाता था। अब यहाँ पर इसका मांगने का मकसद क्या है, ये इसीलिए मांगा जा रहा है ताकि ये चीज चेक किया जाए कि आपने CMP08 में जो डेटा डिक्लेयर किया है वो एक्चुअली आपके सेल्स या आपकी लाइबिलिटी से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। कई बार क्या होगा, CMP08 में कोई ब्रेकअप नहीं है, कोई डिटेल्स नहीं है, तो लोगों को जो मन आएगा वो फाइल करेंगे। गवर्नमेंट ये चाहती है उसका रिकंसिलिएशन हो जाए कि आपने रेट वाइज कितना अमाउंट जमा करा है। अब यहाँ पर आप जैसे ही देखेंगे टाइप ऑफ सप्लाई मांगा गया आउटवर्ड एंड इनवर्ड, आउटवर्ड का तो देना ही देना है, साथ साथ इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज का भी आपको यहाँ पे फिगर्स टैक्स रेट वाइज ब्रेकअप के साथ देना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है टाइप ऑफ सप्लाई आउटवर्ड है या इनवर्ड। उसके बाद यहाँ आपको बताना है रेट ऑफ टैक्स कि आपका जो प्रोडक्ट है जो आपने सेल किया 5 में कितना है, 8 में कितना है, 2% वाला कितना है, वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे, टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली आपको यहाँ पर फिर से इनवर्ड सप्लाई सिलेक्ट करना है और बाकी जो डिटेल्स है यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली फाइल करना है रेट ऑफ टैक्स का, यहाँ पर वैल्यू डालना है और अमाउंट ऑफ टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। उसके बाद जो ये टोटल निकलेगा, ये जो वैल्यू का टोटल होगा और ये टैक्स अमाउंट का जो टोटल होगा, ये आपके GSTR CMP08 के टोटल से मैच होना चाहिए। अगर इस दोनों में डिफरेंस रहेगा तो आपको GSTR4 के साथ जो है एडिशनल लाइबिलिटी का पेमेंट वो करना पड़ेगा। आपने CMP08 में कुछ कम डाला है और रेट वाइज ब्रेकअप में आपके पास फिगर्स कुछ ज्यादा आ गई हैं, तो डिफरेंसेस आपको GSTR4 में पे करना होगा, इसीलिए ये टैक्स वाइज ब्रेकअप जो है मांगा जाता है। उसके बाद TDS एंड TCS क्रेडिट का डिटेल्स है जो पुराने सिस्टम में था, सिमिलर प्रोसेस के अंदर यहाँ भी दिया गया है, इसमें कोई चीज चेंज नहीं है। उसके बाद आता है टेबल नंबर 8, जहां पर हम लोगों को टैक्स इंटरेस्ट एंड लेट फी पेबल एंड पेड का डिक्लेरेशन देना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टाइप ऑफ टैक्स इंटीग्रेटेड सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स और सेस का अमाउंट दिया गया। टैक्स अमाउंट पेएबल एज पर टेबल 6, जो हमने टेबल 6 के अंदर डेटा डाला है कि हमारा रेट वाइज ब्रेकअप कितना आता है, ये एक्चुअल पेएबल आपका बनेगा ड्यूरिंग द ईयर, तो वो यहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा टेबल 6 से। टैक्स अमाउंट ऑलरेडी पेड थ्रू GST CMP08 और जो हमने क्वार्टरली CMP08 फाइल किया है वो डेटा ऑटोमेटिकली यहां पे रिफ्लेक्ट करेगा जो हमने पे किया, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इस वाले कॉलम नंबर 5 के अंदर शो होगा, बैलेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल इफ एनी 3-4, पेएबल माइनस पेड का अमाउंट यहां पर आपके सामने रिफ्लेक्ट होगा जो आपको यहां पर पे करना होगा अलोंग विद इंटरेस्ट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट GSTR4 के अंदर चेंजेस किए गए हैं टैक्स रेट वाइज ब्रेकअप मांगने के बाद। अब यहाँ पे आया है रिफंड क्लेम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अगर आपने कैश लेजर के अंदर कोई रिफंड क्लेम किया है उसका डेटा आपको यहाँ पर पुटअप करना है। तो ये हो गया GSTR4 का जो नया फॉर्म रिलीज किया गया है उसकी डिटेल्स कि कैसे हम लोगों को डेटा इसमें भरना है। अगर आप एक इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो इंस्ट्रक्शन में भी वही सारी बातें लिखी गई है जो मैंने आपको अभी अभी बताई है। तो यहाँ पर मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है द डिटेल्स इन फॉर्म GSTR4 फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर और पार्ट देयर ऑफ शुड बी फर्निश्ड टिल द 30th डे ऑफ द अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपको GSTR4 एक फाइनेंशियल ईयर या पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अगर आप बीच में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको 30 अप्रैल तक फाइल करना है एनुअली। 31 मार्च 2020 का GSTR4 20 अप्रैल 2020 तक आप 30 अप्रैल 2020 तक आपको फाइल करना है। एग्रीगेट टर्नओवर ऑटोमेटिकली आएगा, ये मैंने आपको बता दिया। टेबल 4 जो है वो आपको डालना है जो मैंने आपको बताया परचेज डिटेल्स ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस, इनवॉइस वाइज नहीं, कंसोलिडेटेड बेसिस सब कुछ एग्रीगेट करके
रिलेटेड टू इनवर्ड सरप्राइज रेट वाइज एंड जीएसटीएन वाइज। आपको रेट एंड जीएसटीएन वाइज आपको डेटा भरना होगा टेबल 4A, 4B, 4C एंड 4D के अंदर। 4D के अंदर आपको इनवॉइस वाइज एंट्री भी करनी होगी। टेबल 5 जो है वो आपका डेटा कैप्चर करता है जीएसटी सीएमपी 08 से, जिसमें आपका इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, एग्जम सप्लाईज एंड नॉर्मल आउटवर्ड सप्लाईज भी डेटा इंक्लूड करेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि जीएसटी आर 4 नए फॉर्म के अंदर चेंजेस किए गए हैं, जो कि आपको समझना काफी जरूरी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन न्यू जीएसटी आर 4 से रिलेटेड पहुंच पाए, ताकि फाइलिंग करने में जो है कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज, जो कि हमारा केजे क्लास के साथ कोलैबोरेशन में चलता है, वो आप ले सकते हैं। और उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उसमें आप जाकर के संपर्क कर सकते हैं। जीएसटी रिलेटेड सॉफ्टवेयर, कैलकुलेटर्स, बुक्स वगैरह के लिए भी नीचे परचेज लिंक्स दिए गए हैं, उसको आप एक बार चेक जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।